फ्रेंड्स, मैं आपकी गार्डनर दोस्त आपके अपने प्लांट लॉबी चैनल में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम मैरीगोल्ड को सीड से ग्रो करना सीखेंगे। मैरीगोल्ड बहुत ही सुंदर विंटर फ्लावर प्लांट है। इसके कलर फूलों की कलर वैरायटी बहुत सुंदर होती है और इसके फूलों में फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी होती है और इसके सीड्स हमारे घर में ही अवेलेबल होते हैं, लेकिन इनके बारे में हमें पता नहीं होता है इसको कैसे ग्रो करना होता है। इसको ग्रो करना बहुत ही आसान होता है। इसके फूलों में बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस होती है और इसको अपने गार्डन में अवश्य से ऐड करना चाहिए बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। चलिए देखते हैं कि मैरीगोल्ड को सीड से कैसे ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे पास मैरीगोल्ड के फ्लावर हैं जो कि मैंने ड्राई कर लिए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैरीगोल्ड का हम यूज पूजा घर में करते हैं। ये सभी के घर में अवेलेबल होते हैं। फ्रेंड्स, इनको ड्राई कर लेना है और ऐसे इनके सीड्स निकाल लेने हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये ब्लैक ब्लैक आपको शो हो रहे हैं। ये जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहे हैं, ये इसके सीड्स हैं। फ्रेंड, इनको ड्राई करके ही हमें अपने गार्डन में ग्रो करने हैं। अगर आप इनको गीला ऐड करेंगे सॉइल में तो ये फंगस लग जाएगी, इसलिए इनको ड्राई करके रख लेना है और इसके सीड्स हर साल आप अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक डिस्पोजल ग्लास लिया है और इसमें मैंने होल कर लिया है। अब मैं इसमें मिट्टी ऐड करूँगी। मैं आप कोई सी भी गार्डन सॉइल ले लीजिए और चाहे आप कोकोपीट ले लीजिए, और मैं इसको गार्डन सॉइल ऐड से भर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने गार्डन सॉइल भर ली है। अब ये सीड्स हैं, हम इनको ऐसे सिंपल से स्प्रिंकल कर देंगे। ये जो ब्लैक है वही टर्मिनेट होते हैं, व्हाइट जो होता है पोर्शन वो टर्मिनेट नहीं होता है। अब इसमें हम थोड़ा सा मिट्टी और ऐड करेंगे ऊपर से, जिससे ये हमारे सीड कवर हो जाए। फ्रेंड्स, याद रखना कि हमें मिट्टी को ज़्यादा नहीं डालना है, केवल हमें उतनी ही मिट्टी ऐड करनी है जितना कि हमारी सीड्स कवर हो जाए। अब हम इसमें पानी स्प्रिंकल कर देंगे। पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है, अगर हम पानी इसमें ज़्यादा सौगी कर देंगे तो हमारी सीड्स में फंगस लग जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, मैंने ऐसे ही और तीन और ऐड कर रख दो और ऐड कर लिए हैं। अब आप देखेंगे 4 से 5 दिन बाद इनमें सीड टर्मिनेट हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कुछ दिन पहले ही इसमें डाले थे और ये देखिए छोटे छोटे बेबी प्लांट निकलना स्टार्ट हो गए हैं, आप देख पा रहे होंगे। और ये तो अभी चार पाँच दिन पहले के हैं, और देखिए उससे पहले मैंने डाले थे तो ये बेबी प्लांट निकल रहा है, देख पा रहे हैं फ्रेंड्स। देखिए इससे पहले भी ये एक ये है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। फ्रेंड्स, मैरीगोल्ड की खास बात ये है कि ये छोटे से प्लांटर में ही फूल देना स्टार्ट कर देता है और आप बहुत सारे फूल इस प्लांट से पा सकते हैं। तो आप भी अपने गार्डन में मैरीगोल्ड के फ्लावर प्लांट को अपने गार्डन में ऐड कीजिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो
तो लाइक अवश्य करना फ्रेंड्स, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।